हेलो, यस टुक्सम। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर दिस इवनिंग। वी वांट टू इंट्रोड्यूस आवर स्पीकर, प्रेजेंटर और मेंटर डॉक्टर रीना अरोड़ा, ए वेरी स्पेशल गेस्ट फ्रॉम दिल्ली। सी इज एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर एट दिल्ली एट आयुर्वेदिक क्लिनिक। सी इज ए पैशनेट एंड एविड प्रैक्टिशनर ऑफ आयुर्वेदा फॉर मोर देन 20 ईयर्स and cured many patients suffering from chronic diseases through Ayurvedic medicine. And today she will be sharing with us his expert opinion on healthy parenting. For that, I request all of you to give your full attention to Reena ma'am. Reena ma'am, please start the session. Thank you, Dr. Rajat. Thank you. डॉक्टर राजा, एक मिनट में स्क्रीन शेयर करती हूँ, अभी एक मिनट में स्टार्ट कर रही हूँ। इज इट विजिबल नाउ? यस मैम। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। As Dr. Rajat has told you, I am Dr. Reena Arora from Ayurvedic Clinic, Delhi, and I am a practitioner and a frequent speaker at All India Radio and DD National, and I have mentioned my YouTube channels also. Now, my topic is healthy parenting in context of Ayurveda. According to Ayurveda, healthy parenting means the parenting should be best, that is, how we can be best parents and can give birth to Supraj, that is best child. We don't need Bahupraj, that is many children. Rather, we need Supraj, that is best progeny. And hence, when we think of becoming parent, we should be familiar with the steps one should take to become best parents. Yani, jab hum ye imagine karte hain, is puri planning karna shuru karte hain ki hume parents banna hai, tabhi se healthy parenting ki neev start ho jati hai. और आयुर्वेदा इसके लिए एडवोकेट करता है एक डिसिप्लिन लाइफ। एक हेल्दी पर्सन कौन होता है आयुर्वेद में? जो सीजनल रिजीम को फॉलो करे, डेली डाइटरी रिजीम को फॉलो करे, यानी ऋतुचर्या को, दिनचर्या को, और जो भी आहार विहार के हमारा सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है उसको। एक व्यक्ति की आयु सुखायु या दुखायु और हितायु या अहितायु होना उसके हाथ में है। अगर वो सब कुछ अच्छा करे और आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली करे तो वो सब कुछ ठीक होगा, अदरवाइज इससे उल्टा हो सकता है। अपनी पर्सनल और सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए आयुर्वेद में 16 संस्कारों का वर्णन है, जो जो हमें एक हेल्दी और इंटेलिजेंट बच्चे को अटेन करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए मैंने संस्कारों का यहाँ पर मेंशन किया है। ये संस्कारों के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी वाता पिता कफा के अकॉर्डिंगली चिल्ड्रन को कैसे हम परवरिश हमें उनकी करनी चाहिए। संस्कार एक जो थॉरो रिव्यू है संस्कार का, उससे हमें ये पता लगा कि एक्स्ट्रा यूट्रेन लाइफ में जो बच्चे को प्रॉपर फीडिंग हैबिट डेवलप करने में, एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, डिजीजेस को प्रिवेंट करने में, और बेबी को एक फर्दर सर्वाइवल के लिए जो एनवायरनमेंट दिया उसको अडेप्ट करने में, और उसकी फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो चाइल्ड की होती है, और इस तरह से बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबल यूथ बनाने में इसने बहुत हेल्प करते हैं संस्कार। ये संस्कार बच्चे की हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, और उसमें सूर्य, चंद्रमा और वायु के प्रति, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनके प्रति रिस्पेक्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, ताकि बच्चे को प्रकृति और एनवायरनमेंट के बारे में पता लगे और वो इन रिसोर्सेज की भी इज्जत करे।
दीज आर द मेथड्स ऑफ कंडीशनिंग, और ये जितने भी हमारे अंदर सहज प्रवृत्ति जो होती है उसको प्योरीफाई करने के इंस्टिंक्ट्स हैं, ये जो 16 संस्कार है ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं, और इनका जो मेंटल और फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे भी अफेक्ट होता है, यानी उनको भी अफेक्ट करते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करूंगी ये संस्कार। गर्भिका संस्कार जो हमें पेरेंट्स बनने से पहले करना चाहिए, आगे जाके मैं पूरे संस्कार एक्सप्लेन करूंगी। शैशव संस्कार जो कि बच्चों से रिलेटेड है। शैक्षणिक संस्कार जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, आश्रमिक मैरिड लाइफ से, पारायण संस्कार डेथ से। और अब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी। जो गर्भिका संस्कार है ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, यानी गर्भाधान, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन ये प्रेगनेंसी के दौरान करते हैं। गर्भाधान संस्कार, इसके बाद जो बच्चे के संस्कार है शैशव संस्कार, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्ण विधन संस्कार, ये संस्कार बच्चे के लिए पेरेंट्स करते हैं। फिर है शैक्षणिक संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, संवर्तन संस्कार, ये एक टीचर करता है अपने स्टूडेंट्स के लिए। फिर है मैरिड लाइफ से रिलेटेड, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ और संन्यास, ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए करता है। और फिर है प्रायण संस्कार, ये डेथ से रिलेटेड है, अंत्येष्टि संस्कार भी बोलते हैं इसको। अब हम देखते हैं जो बच्चे के लिए हमें जो जरूरी होते हैं, इनको मैंने आगे एक्सप्लेन किया है एक एक को। गर्भाधान संस्कार ये मैरिज के बाद परफॉर्म किए जाते हैं, ये ग्राउंड वर्क है पेरेंटहुड को प्लान करने का। बेसिकली आयुर्वेद में अगर कोई प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए आए तो हम ये सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि आपको कंसेप्शन से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए जिससे एक बेस्ट प्रोजनी को आप जन्म दे सके। इसके लिए हम ये बताते हैं उनको कि उड़द दाल जो है फीमेल्स के लिए इंडिकेटेड है ताकि बेस्ट क्वालिटी का रज यानी मेंस्ट्रुअल फ्लूइड आए या ओवम निकले, और जो चावल और दूध है ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स के लिए, ये डाइट एक दिन पहले कंसेप्शन से पहले एडवाइज की गई है चरक संहिता में। इवन उसमें ये भी बताया गया है कि उसका आसन कैसा होना चाहिए, कौन से पैर से लेडी को ऊपर चढ़ना है और किन किन रात्रियों में आपको ये कंसेप्शन के लिए ट्राई करना चाहिए, और प्रॉपर प्योरिफिकेटरी प्रोसीजर्स एडवाइज किए गए हैं। इससे क्या होता है रिप्रोडक्टिव पैसेज क्लियर हो जाते हैं। अब आजकल का सबका लाइफ स्टाइल इतना स्ट्रेसफुल है और इतने जंक फूड्स और इतना गलत रूटीन्स हैं, तो वो सब इसीलिए इनफर्टिलिटी भी आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इस कारण से ये अगर पंचकर्मा वगैरह पेशेंट्स करवाते हैं तो इससे बिना किसी उसके ही कंसीव कर जाते हैं। ये एक रीजन है गर्भाधान संस्कार की आज के संदर्भ में इम्पोर्टेंस का। फिर इसके लिए एक पवित्र दिन और समय फिक्स किया जाता है कि इस दिन आपको कंसेप्शन के लिए ट्राई करना है। चरक शरीर स्थान में बल्कि एक श्लोक भी मेंशन किया है कि वो श्लोक आपको उस टाइम बोलना चाहिए, ये एक बिल्कुल पायस एक्ट होना चाहिए। एक प्रॉपर एज मेंशनड है कंसेप्शन के लिए जिस टाइम आपको ये ट्राई करना चाहिए, और ये एक हेल्दी डेवलपमेंट के लिए जो पुंसवन संस्कार है ये एक हेल्दी डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। ये खाली मेल चाइल्ड के लिए नहीं किया जाता, ये एक मान लो एक फीमेल चाइल्ड किसी के फैमिली में नहीं है, उनको फीमेल चाइल्ड चाहिए, तो आप इससे अपोजिट या फीमेल चाइल्ड में कोई कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स आते हैं तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी आप इस संस्कार को कर सकते हैं। इसलिए इसकी सिर्फ नेगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए हमें, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना चाहिए। फिर इसमें जो इसको मेल बेबी को एक लाने का एक कॉमन एक ये भी है कि मेल बेबी के लिए किया जाता है पुंसवन संस्कार, बट एक हेल्दी ह्यूमन बींग के लिए भी हम इसको कर सकते हैं। सीमंतोन्नयन संस्कार जो है ये गर्भिक स्त्री के लिए किया जाता है, गर्भिणी के लिए, फोर्थ मंथ में, सिक्स मंथ में या एट्थ मंथ में किया जाता है। इसमें एक प्रेग्नेंट लेडी को चावल और दाल देसी घी के साथ दिए जाते हैं खाने के लिए, और उसके कान में कुछ एनकरेजिंग वर्ड्स बोले जाते हैं कि आपका बच्चा दीर्घायु हो, ज्ञानवान हो, ऐसे ऐसे शब्द। फोर्थ मंथ के बाद प्रॉपर डेवलपमेंट फीटस की स्टार्ट होती है और हार्ट भी फंक्शनिंग स्टार्ट कर देता है, और इस टाइम जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको दो हृदनी कहते हैं, यानी कि दो हार्ट होते हैं उसके। फीटस भी रिसेप्टिव हो जाता है, अपने डिजायर्स मदर के थ्रू एक्सप्रेस करता है, और उसका ब्रेन और नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाती है। और जो इस टाइम हम ब्लेसिंग देते हैं और जो एनकरेजिंग वर्ड्स बोलते हैं वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, और उसको ऐसे
फैक्टर्स को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है कि बच्चे को कोई भी नुकसान ना हो। तभी ऐसा आयुर्वेद में वर्णित है कि अगर गर्भिणी स्त्री की हमें केयर करनी है तो ऐसे करनी चाहिए जैसे किसी भरे हुए पात्र को लेके, घी या पानी के पात्र को लेकर हम चल रहे हैं और उतने ध्यान से चलना है कि वो गिरे नहीं। ऐसे ही एक गर्भिणी की रक्षा करनी चाहिए। शायद आजकल के परिप्रेक्ष्य में ये थोड़ा सा कम हो गया है और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो बच्चे और प्रेग्नेंट लेडीज की हैं वो इंक्रीज हो जाती है, इसलिए उनको राइस ग्रुअल दिया जाता है ये खाने के लिए, ताकि कंप्लीट और बैलेंस्ड फूड उसको प्रोवाइड कर सके। फिर आता है जात कर्म संस्कार। ये इमिजिएटली आफ्टर बर्थ किया जाता है। बच्चे के मुंह को साफ किया जाता है कॉटन स्वैब से और इसमें एंटीरियर फॉन्टनली देखते हैं कि ये कवर्ड है कॉटन सैक जो घी में भीगा हुआ है। फिर अम्बिलिकल कॉर्ड को काटते हैं। फिर उसके बाद मंत्रों की चैंटिंग करते हैं उस टाइम। अब आप सोचेंगे कि मैं ये क्या बोल रही हूँ आजकल के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन ये रिसर्च हो चुकी है कि जहां भी मंत्रों की चैंटिंग होती है वो उसका इफेक्ट पड़ता है, बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है। कुछ लोग सिर्फ मंत्रा हीलिंग करते हैं विदाउट एनी मेडिसिन, और गायत्री मंत्र पे तो ये काफी रिसर्च हो चुकी है कि उससे खाली गायत्री मंत्र बोलने से ही ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप होता है। और अगर घी को सैंधव नमक मिक्स करके ओरल क्लीनिंग करें म्यूकस मेम्ब्रेन की, म्यूकस की, तो वो भी काफी अच्छे से साफ हो जाती है। और ये जात कर्म संस्कार में हम करते हैं। इस प्रोसीजर से बच्चे को जो अंदर ट्रबल हुई होती है, कंप्रेशन होती है जो वेजाइनल केनाल में, उससे वो रिलीव हो जाता है। और फिर इसके बाद मेंशन है स्वर्ण प्राशन संस्कार। ये आजकल के परिपेक्ष में सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आयुर्वेद में कोई वैक्सीनेशन मेंशन नहीं है, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्वर्ण प्राशन संस्कार एक बेस्ट संस्कार हम मान सकते हैं। इसमें स्वर्ण भस्म एक मेडिकेटेड घी यानी मेद्य घृत के साथ देते हैं, उसमें हर्बल एक्सट्रैक्ट डालते हैं और हनी शहद डालते हैं और एक मेडिकेटेड मेडिसिन बना के उसको हम देते हैं। और ये देना किसको चाहिए, इसमें मेंशन है कि 0 से 16 साल तक बच्चे को देना चाहिए, लेकिन मैंने एक CME अटेंड की थी और काफी रेनाउंड प्रोफेसर हैं वो, उन्होंने बताया था हमें कि स्वर्ण प्राशन जो है किसी भी आयु के व्यक्ति ले सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इम्यूनिटी बढ़ाने का काम है। तो ओल्ड एज वाले लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। स्वर्ण भस्म तो सारे उम्र में ले सकते हैं हम। और फिर जो ये पुष्य नक्षत्र है, ये जरूरी नहीं है कि आप पुष्य नक्षत्र में दें, आप इसको डेली भी दे सकते हैं। कुछ जैसे वीक बच्चे होते हैं, मेंटली वीक हैं या बॉडीली वीक हैं, तो उनको हम डेली भी ये दे सकते हैं। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एक तो ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, रेजिस्टेंट डेवलप करवाता है कॉमन इन्फेक्शंस के प्रति। आजकल इम्यूनिटी मेडिसिन सबसे टॉप पे है COVID-19 के संदर्भ में। हर व्यक्ति पूछता है कि इम्यूनिटी के लिए क्या करूं, बच्चों को क्या दूं, डाइट क्या दूं, तो स्वर्ण प्राशन नंबर 1 पे है उसमें कि बीमार ना हो बच्चे आपके। इसके लिए आप उनको किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करके इमिजिएटली स्वर्ण प्राशन संस्कार स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चे तो क्या, मैं कहूंगी पूरी फैमिली स्टार्ट कर सकती है इसको। फिर अगर फिजिकल स्ट्रेंथ बच्चों में बढ़ानी है, फिजिकल एक्टिविटीज में उनका स्टेमिना बढ़े, इसके लिए स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो आप इसको स्वर्ण प्राशन को कीजिए। और ये जैसे मैं बता चुकी हूँ आपको, फिर इससे ग्रेस्पिंग पावर बढ़ती है बच्चों की, उनका इंटेलेक्ट बढ़ता है, शार्पनेस बढ़ती है, एनालिसिस पावर बढ़ता है, मेमोरी रिकॉलिंग बढ़ती है। कुछ बच्चों के ऐसे आते हैं पेशेंट्स मेरे पास कि मैम ये भूल जाता है, पढ़ता है बट भूल जाता है, पेपर के टाइम भूल जाता है। स्वर्ण प्राशन संस्कार कीजिए। काश्यप संहिता में मेंशन्ड है, आयुर्वेद में जो जो कुछ मेंशन्ड है आज के परिपेक्ष में सब सिद्ध साबित हो रहा है, तो ये इसीलिए मेंशन किया गया था क्योंकि बच्चों को इसकी जरूरत होती है। इसके बाद इसके कुछ और फायदे दिए हुए हैं। डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट को नर्चर करता है ताकि वो अच्छे से हो बच्चों की। और ये मैं बता चुकी हूँ आपको, डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करता है। हाँ, सीजनल चेंजेस होते हैं, बच्चों के कुछ बच्चों को इन्फेक्शन हो जाते हैं, सीजन चेंज हुआ, कफ कोल्ड हो गया या कोई और रैशेज वगैरह की। अब जैसे पित्त सीजन शुरू हो रहा है, शरद ऋतु सीजन शुरू हो रही है, तो इसमें क्या होता है, पित्त कुपित होती है, तो कुछ बच्चों को या बड़ों को भी इवन अक्सर रैशेज होने लग जाते हैं पूरी बॉडी में। तो उसमें अगर ये स्वर्ण प्राशन करेंगे आप और वैसे भी पित्त शामक आहार लेंगे, तो ये जो सीजनल चेंज की उनका कम स्टेमिना और कम इम्यूनिटी की वजह से चेंजेस से जो अफेक्ट होते हैं, वो अफेक्ट होना थोड़ा सा उनका कम हो जाएगा। फिर ये एज इट इज मैंने काश्यप से उठाया है, इसलिए लिखा हुआ है उसमें, स्वर्ण प्राशन से मेधा डेवलप होती है यानी मेंटल एबिलिटी, अग्नि बल, आयुवर्धन, मंगलकारी और पॉजिटिव एटीट्यूड होता है लाइफ में, पावर टू ओवरकम मेंटल एंड फिजिकल हार्डशिप्स, गुड फेट,
वृश्य होता है, वर्ण्य। कुछ लोग बोलते हैं मेरे बच्चे का कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है, तो ये उसके लिए ग्रह बाधा नाशक। बिना किसी कारण के अजीब सी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं बच्चों को कई बार, मतलब डायग्नोसिस में कुछ नहीं निकलता, कभी लूज मोशन हो रही है, कभी कफ कोल्ड हो रहा है, ये सब। अगर रेगुलरली स्वर्ण प्राशन 1 मंथ तक बच्चे का किया जाए तो वो बहुत इंटेलिजेंट और किसी भी बीमारी से अफेक्ट नहीं होता, और अगर उसको 6 महीने तक किया जाए तो वो श्रुतधर हो जाता है। श्रुतधर यानी सिर्फ सुनते ही वो चीजों को ग्रैस्प कर लेता है, वो इतना इंटेलिजेंट हो जाता है। ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा ऐसा ना हो आजकल के परिप्रेक्ष्य में। और इसके बाद आता है सूर्य दर्शन संस्कार। न्यूनेटल जॉन्डिस बहुत कॉमन है बच्चों में, इसी के लिए ये मेंशन किया हुआ है सूर्य दर्शन संस्कार। आजकल के बच्चों को भी बचपन में ही पेन शुरू हो जाती है, कभी किसी को लेग्स में पेन है, किसी को बैक में पेन है, तो इसके लिए अक्सर विटामिन डी कम हो जाता है बच्चों में भी, क्योंकि सनलाइट में बच्चे निकलते नहीं है। अब पहले तो ये कहना ठीक था कि फोन पे लगे रहते हैं, बट आजकल तो उनकी मजबूरी है क्योंकि स्कूल ही फोन पे हो रहा है, बट फिर भी उनको कुछ टाइम निकाल कर अर्ली मॉर्निंग में या इवनिंग में थोड़ा सा सनलाइट उनको लेनी चाहिए, ताकि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी बच्चों में होती है वो कंप्लीट हो सके। फिर नामकरण संस्कार, बच्चों को एक ऑस्पिशियस मीनिंग उनके नाम का होना चाहिए, ताकि वो सिंबलाइज करें उनकी प्रोग्रेस को और एक ग्रेट पर्सनैलिटी को। 10वें दिन जब बच्चा सब ट्रॉमा से रिकवर हो जाता है, जो डिलीवरी के टाइम वो फेस करता है, तब उसका ये जो चाइल्ड बर्थ के बाद का पीरियड खत्म हो जाता है, तो 10वें 11वें दिन नामकरण संस्कार अक्सर लोग करते हैं। और फिर 4th मंथ में निष्क्रमण संस्कार करते हैं, कि अब बच्चा जो है न्यू बॉर्न विजन जो है उसका इमेच्योर पहले होता है, वो अब मेच्योर हो चुका है, और बेबी जो आईज है उसकी वो इधर उधर मूव कर सकता है, प्रॉपरली ट्रैक कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट्स को, इसलिए उसको सबसे पहले जब बाहर लेके जाते हैं तो कोशिश करते हैं किसी मंदिर में लेके जाएं, और वो सारी साउंड्स वगैरह को रिएक्ट करता है। ये कॉमन चीजें हैं, ये मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इसके बाद अन्नप्राशन संस्कार, इसमें 6th मंथ पर बच्चे को दिया जाता है, 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीड एडवाइज है, उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार इसीलिए मेंशन किया है। सॉलिड फूड इस टाइम स्टार्ट करते हैं, रूटीन में भी आजकल यही सिनेरियो है कि 6 मंथ्स के बाद आप सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं, सेमी सॉलिड या जो भी है। और इससे क्या होता है, बच्चे की हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इसको करते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी डेवलप हो चुका होता है, इसलिए 6 मंथ्स पे करते हैं, और टीदिंग स्टार्ट हो जाती है उस टाइम तक। इसमें आयुर्वेद के अनुसार मेंशन्ड है कि उसको खीर देनी चाहिए। हमें प्रैक्टिस में सब लोगों को ये गाइड करना चाहिए, ताकि सब लोग अपने रूटीन में इसको करें। आप उसको खीर और शहद, देसी घी, तुलसी और थोड़ा सा गंगा जल, ये मिक्स करके फर्स्ट डाइट बच्चे को जो सेमी सॉलिड आपने देनी है वो देनी चाहिए। इस फूड के साथ खीर जो है हेल्थ प्रोवाइड करती है, और जो शहद है मिठास प्रोवाइड करती है, घी कॉन्जेनिटी प्रोवाइड करता है, बेसिल जो है तुलसी बुराइयों का नाशक मानी जाती है, और गंगा का जो जल है ये पवित्रता का प्रतीक है, और इस तरह से ये खाने की पवित्रता को एक्सप्लेन करता है, इसलिए ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। 6 मंथ के बाद जब बच्चे का खाना स्टार्ट हो जाता है तो उसको हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से स्टार्ट करना चाहिए, जंक फूड्स नहीं देने चाहिए। हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सब हेल्दी खाना खाएं, जंक फूड्स ना खाएं, लेकिन कई बार हम उसकी नींव खुद ही डालते हैं। बचपन से हम बच्चों को पिज्ज़ा खिलाते हैं, मोमोज खिलाते हैं, चाउमिन खिलाते हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो घिया तोरी और ये चीज़ें खाएं। गिव बॉयल्ड वेजिटेबल्स पेस्ट, ये उनको 6 मंथ के बाद जो डाइट देनी है ये दीजिए, ताकि इन चीज़ों के टेस्ट डेवलप हो उनको। दलिया ऐड कीजिए डाइट में, उसमें आप ग्राउंड नट पाउडर ऐड कर सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं। हेल्दी और न्यूट्रिशनल फूड्स देने की आदत डालिए, इसमें बहुत पेशेंस चाहिए, बट छोड़िए नहीं, हो जाएगा। सेरेलेक और रेडीमेड फूड्स नहीं देने चाहिए, इसकी जगह आप चावल, चने की दाल या कोई भी दाल ग्राइंड कर भून के ग्राइंड करके उसको रख सकते हैं एक डिब्बे में बंद करके, और जब भी उसको खाना देना है आप पानी गर्म करके उसमें डाल के वो बच्चे को एक डाइट ये दे सकते हैं। फिर कोई भी डाइट अगर आप बच्चे को देंगे, 10 बार थूकेगा, उसका टेस्ट डेवलप होने में टाइम लगता है उसको, लेकिन वो फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा। आपको भी अपनी ईटिंग में डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अगर आप बच्चे को कुछ खाना खिलाना चाहते हैं तो खुद भी आपको वही खाना पड़ेगा, और उसके सामने उसका रोल मॉडल बनना पड़ेगा। और मार्केट प्रोडक्ट्स जो हैं वो उतनी न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर सकते जितनी आप घर के खाने से दे सकते हैं, वो सिर्फ टेस्ट दे सकते हैं, न्यूट्रिशन नहीं। ये कुछ चीज़ें मैंने और एक्सप्लेन की हैं। गुड़ आप ऐड कीजिए बच्चों की डाइट में,
ओवर कुक नहीं कीजिए, स्टेल फूड मत दीजिए, और अपने आप को भी चेंज कीजिए हेल्दी पेरेंटिंग के लिए। कि आपने चाहे लेटर स्टेज में सीखा है, बट फिर भी आप स्टार्ट कीजिए इन चीज़ों को। नेक्स्ट संस्कार है चूड़ाकरण। ये जो टोपी कुछ लोग पीछे वो रखते हैं, चोटी पे एक शिखा रखते हैं, ये एक्चुअली इसका एक रीज़न है कि एक तो ये स्पिरिचुअल गोल के लिए है, और दूसरा ये जो इसमें जितनी भी गलत टेंडेंसीज होती हैं, बीसली टेंडेंसीज होती हैं, वो निकालने के लिए चूड़ाकरण संस्कार करते हैं, और कल्चरल कॉन्शियसनेस बच्चे में डेवलप हो इसलिए ये संस्कार किया जाता है। ये कहा जाता है कि जो बच्चों में बर्थ हेयर जब तक कटवाए नहीं जाते, उनके अनडिजायरेबल आइडियाज जो पिछले जन्म के हैं वो निकलते नहीं हैं, इसलिए इनको करवाना बहुत जरूरी होता है और उनको रिमूव किया जाता है। और अगर साइंटिफिकली देखें तो सिर की प्रॉपर ग्रोथ को देखने के लिए भी इसको किया जाता है। टीदिंग पीरियड के दौरान बच्चा कई बीमारियों से पीड़ित होता है। उसका जो एंटीरियर फोंटेनली है, ये इंडिकेटर है बच्चे की हेल्थ का। अगर वो बीच में गड्ढा पड़ा हुआ है तो ये इंडिकेट करता है कि उसको डिहाइड्रेशन हुई हुई है, और अगर वो ऊपर फूला हुआ है तो ये इंडिकेट करता है कि उसका जो अंदर वाटर भरा हुआ है। और ये जो शिखा जहाँ पर रखी जाती है, इसको अधिपति मर्म है आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली। इस पार्ट पे अगर कोई भी इंजरी होती है तो उसकी कॉन्शियसनेस लॉस हो सकती है, कोमा में हो जा सकता है, ब्रेन को इंजरी हो सकती है, या सडन डेथ हो सकती है। इसलिए शिखा रखने का ट्रेंड जो है पुराने जमाने में था। फिर आता है कर्ण वेधन संस्कार। आजकल इसका ट्रेंड नहीं है, कुछ बॉयज को जैसे ये नहीं करते हैं, बट इसका साइंटिफिक रीजन है। 10वें या 12वें दिन कर्ण वेधन संस्कार करना चाहिए, या 6th या 7th मंथ में, और किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से प्रॉपर लाइट में करवाना चाहिए। इससे ऐसी स्टडी हुई है कि इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ता है बच्चे का, और एक्सटर्नल ट्रॉमा के प्रति वो और ज्यादा अच्छे से रिएक्ट कर पाता है, उसको डील कर पाता है। और इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट होती है कर्ण वेधन संस्कार से, और जो सिवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन है वो और रिड्यूस हो जाती है अगर कर्ण वेधन संस्कार करवाते हैं तो। फिर आता है उपनयन संस्कार। इसमें बच्चा टीचर के पास जाता है। पुराने समय में हमारे चरक वगैरह में भी जैसे बताया हुआ है, बच्चा टीचर के पास गुरुकुल में रहता है, एजुकेशन अटेन करता है, और बच्चे को ब्रह्मचर्य के लिए आदेश दिया जाता है, सिखाया जाता है उसको। एक तरह से ये दूसरा बर्थ है बच्चे का। इसके बाद उसको नॉलेज मिलती है कि द चाइल्ड गेट्स द बॉडी ऑफ नॉलेज। ऐसा नॉलेज उसको मिलती है जब इस तरह से पवित्रता से वो रहेगा तो जो भी वो सीखेगा नेचुरल है वो उसके अंदर रिटेन होगा। और फिर है वेदारंभ, यानी जैसे स्कूलिंग आजकल 4 साल से स्कूल में एडमिशन होता है, ऐसे ही पहले भी 4 साल में ही वेदारंभ, वेद पढ़ने शुरू करते थे बच्चे, और ये फॉर्मल एजुकेशन का स्टार्ट माना जाता है। इसके बाद आता है संवर्तन संस्कार। इसमें एक ये नॉलेज अटेन के करने के बाद फिर बच्चे को मैरिड लाइफ में एंटर करने के लिए बताया जाता है, और पेरेंट्स के घर पे वापस आ जाता है। ये एक स्टेपिंग स्टोन है गृहस्थ आश्रम में एंटर करने के लिए। फिर विवाह संस्कार, ये सबको पता है, वानप्रस्थ पूरा संन्यास लेना उसके बाद, और फिर अंत्येष्टि संस्कार। अब मैं आती हूँ आयुर्वेदिक वे ऑफ अपब्रिंगिंग द चिल्ड्रन। आयुर्वेद क्या कहता है बच्चों को परवरिश के बारे में? 3 दोष हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली, और माइंड बॉडी प्रिंसिपल, ये सब कोर ऑफ आयुर्वेदा में ये एक्सप्लेन्ड है, जितने भी मन या शरीर के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनमें। इनके बैलेंस इन चाइल्ड बॉडी माइंड, ये सब जो बैलेंस की माइंड की और बॉडी का जो बैलेंस है ये त्रिदोष पर आधारित है। यानी अगर हमारा त्रिदोष ठीक है, वात पित्त कफ जो दोष है वो ठीक है, तो हमारी मन हमारा बॉडी ठीक है, और अगर खराब है तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। हर एक सेल में ये 3ों दोष पाए जाते हैं, हर एक टिश्यू में पाए जाते हैं, माइक्रो और मैक्रो लेवल पे। जैसे कि वाता जो है ये सोर्स है बच्चे के इंटेलेक्ट का, जो भी फ्लो हो रहा है, जैसे बच्चे का नर्वस सिस्टम है, क्रिएटिविटी है, ये सब जो है इंटेलिजेंस है वायु कंट्रोल करती है। पित्ता क्या कंट्रोल करता है? ट्रांसफॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन प्रोसेसेस एंड एंडोक्राइन प्रोसेसेस। और कफा स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर जो होता है, कोहेजन और मास, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी इनको। कुछ पेरेंट्स के लिए ये जानना, पूछ के सबके लिए जानना बहुत जरूरी है कि उनके बच्चों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, उनकी प्रकृति क्या है। ये यूनिक कॉम्बिनेशन है दोषों का, किसी में वायु प्रधान है, किसी में पित्त प्रधान है,
किसी में कफ प्रधान है, उसके अकॉर्डिंगली बच्चे की सारी एक्टिविटीज होंगी, बच्चे की डाइट्स होंगी, बच्चे का रूटीन होगा और होना चाहिए। अगर हम अपने अकॉर्डिंगली उसको कोशिश करेंगे बच्चे पे वो करने की, तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि पहले इसीलिए हमें समझना चाहिए कि इस बच्चे की प्रकृति क्या है। द चाइल्ड्स प्रकृति जो भी है ये बचपन के टाइम बनती है, और कंसेप्शन के टाइम जो भी इम्बैलेंस होते हैं या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो इसमें कारण है अगर कुछ गड़बड़ होती है तो। इसलिए हमें पूरा केयर लेनी चाहिए कंसेप्शन के टाइम और प्रेगनेंसी के टाइम, क्योंकि पूरी लाइफ वो बच्चा सफ़र करेगा और वो सफ़र करेगा तो हम भी सफ़र करेंगे। अभिमन्यु ने प्रेगनेंसी में ही चक्रव्यूह में जाना सीख लिया था, और ऐसी ही कुछ अच्छी आदतें हम अपने बच्चे में डाल सकते हैं अगर हम प्रेगनेंसी को बड़े सीरियसली प्लान करें और कैरी करें। तथागत भी एक एग्जाम्पल था पूरे प्रोडिजी का, और इसीलिए प्रकृति को बेस्ट बनाने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कैसे कंसीव करना चाहिए और क्या प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग, प्रेगनेंसी में आयुर्वेद में एडवाइज किया गया है गर्भिणी चर्या। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो मैं त्रिदोषज की बताने वाली हूँ, एक बार अगर आप बच्चे के प्रकृति को जानते हैं तो उसके बाद एक आयुर्वेद डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए कि आपको इसको फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या हमें इसकी लाइफस्टाइल और क्या डाइट रखनी चाहिए जिससे इसका ये दोष कंट्रोल हो। इमोशनल, ये मैं बता चुकी हूँ वैसे, इमोशनल एलिमेंट जो बच्चे का है, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ये वायु से मिलता है उसको, और उनको जो ब्राइटनेस और चीयरफुलनेस मिलती है वायु से मिलती है। पित्त से उनको लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं, कफ से काम श्रीन बच्चे होते हैं वो। ये एक्सेप्शनल एमलगमेशन होता है थ्री दोषास का, किसी में कुछ कम कुछ ज़्यादा ऐसा। अगर आप अपने बच्चे को ये चीज़ें अच्छे से बताएंगे तो हर लेवल पे वो एंजॉय करेगा अपनी लाइफ को। जब वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में है तो कोई भी उसकी ग्रोथ में रुकावट नहीं आएगी, बच्चे को भूख ठीक लगेगी, उसको प्यास और ये सब उसका ठीक रहेगा। आयुर्वेद 5000 साल पुराना शास्त्र है और इसमें सब कुछ बताया गया है कैसे आपको अपनी लाइफ को अच्छा रखना है, स्पेशली पेरेंटिंग भी। तो यही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपका जो दोष है आयुर्वेदा बॉडी और माइंड का वो टाइप है, तो इसलिए उसको जानना बहुत जरूरी है। तीन दोष हैं आयुर्वेद में, वात पित्त और कफ, और तीनों दोष जो हैं हमारी फिजियोलॉजी में जरूरी हैं, अलग अलग प्रोपोर्शन में होते हैं हर एक व्यक्ति में, इसीलिए हर एक व्यक्ति डिफरेंट है। तो आपका जो दोष है, आपकी जो प्रकृति है, वो यूनिक है, पर्सनल है, ये आपके फिंगरप्रिंट की तरह है। इसको जानने के लिए आप ये दोषाज की जो अपने प्रकृति के लिए क्विज कर सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका कौन सा दोषा प्रेडोमिनेंट है और उसके अकॉर्डिंगली आपका डाइट और लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। मान लो एक पर्सन में वाता प्रेडोमिनेंट है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अक्सर वो उनका अंडरवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है उनको, बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, टिकते नहीं हैं वो। और अब इनमें क्या कर सकते हैं हम कि उनकी वाता कंट्रोल रहे और उनको जो इससे प्रॉब्लम्स होनी है वो ना हो। हम उनको रिलैक्स कर सकते हैं डेली मसाज करके, ये नहीं कि सिर्फ बच्चों को ही मसाज करनी चाहिए, जो बच्चे टीन एज में हैं या थोड़े बड़े हैं वो खुद ऑयल लगा सकते हैं। ये उनको बताना चाहिए कि बेटे दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू, और पर्टिकुलर फूड जो आप आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली वात शामक आहार है वो उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि जैसे ऑयल वगैरह ले सकते हैं वो अपने फूड में, उनके लिए जो डाइटिशियंस वगैरह हेल्दी डाइट्स बताती हैं कि ठीक है आप खाली सैलड्स खाओ, दो दो घंटे जिम करो, ये रूटीन उनके लिए ठीक नहीं है। उनको मेडिटेशन चाहिए, उनको काम करने वाले योगा चाहिए, उनको रिच डाइट चाहिए, घी और तेल जिसमें डला हो, और ऐसे सप्लीमेंट्स जिससे स्ट्रेस कम हो और वायु शांत हो। पेरेंटिंग जो है ये एक एप्लीकेशन है डेली लाइफ में प्यार को डालने की। अब बच्चों को आप एक अपॉर्चुनिटी मिली है हमें अपना प्यार डेली उनको एक्सप्रेस करने की। हमारा एज ए पेरेंट उनके साथ बहुत यूनिक रिलेशनशिप है, हम एक दूसरे से बहुत अलग अलग लेवल्स पे इंटरेक्ट भी करते हैं। कभी हम पेरेंट हैं, कभी हम टीचर हैं, कभी हम फ्रेंड हैं, कभी शेफर हैं, कभी साइकोलॉजिस्ट हैं, कभी एडवाइज़र हैं, कभी डिसिप्लिनर हैं, कभी कोच हैं, कभी रेफरी हैं, और शायद पता नहीं कितने रोल मदर्स के हैं, फादर्स भी आजकल खैर करते हैं ये, और आजकल कोविड के संदर्भ में तो रोल्स और बढ़ गए हैं हमारे, क्योंकि सारा दिन बच्चे हमारे पास हैं। तो ये जो माइंड बॉडी टाइप है, इसके भी जेनेटिक कंपोनेंट्स हैं।
तो हर एक फैमिली का जरूरी नहीं है कि सेम दोष हो, हर एक में सेम डोमिनेंट एक ही दोष हो, एक कफा मदर और फादर का पिता चाइल्ड भी हो सकता है। तो हमें फैमिली के दोनों साइड देखना चाहिए कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को, हमारे पेरेंट्स की क्या उनकी एक्टिविटीज थी और क्या उनके जॉर्डिक साइंस, क्या उन जॉर्डिक नहीं सॉरी क्या उनके दोषास प्रडोमिनेंट थे उनमें। इसके बाद हमें अपने बचपन में भी देखना चाहिए कि हम क्या करते थे, क्या हम हाइपर एक्टिव थे, क्या हमें बहुत गुस्सा आता था, हाइपर एक्टिव थे वायु, गुस्सा बहुत आता था पित्त, या हम बैठे रहते थे उठते ही नहीं थे कफ। तो हमें ये देखना है कि हमारा सिबलिंग कैसे रिएक्ट करता है और कैसे थे हमारे रिलेशनशिप्स एक दूसरे से, और इससे आपको और ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे। फिर अगर जब आप अपने बच्चे के डोमिनेंट दोष को जान लेंगे तो आप उसको बेटर पेरेंटिंग कर पाएंगे, और जितने वो एक्टिविटीज करता है उसको आप समझ पाएंगे कि ये ऐसा क्यों करता है। जैसे कि एक वाता जो बच्चा है वो, उसको दूसरा जो बच्चा अगर बहुत ज्यादा सो रहा है तो एंग्जाइटी होती कि इतना कैसे सो लेता है, और एक कफा जो बच्चा है उसको आप 10 बार उठाओगे तब वो उठेगा, वाता बच्चे को सिर्फ टच करने पे उठ के बैठ जाएगा। तो इस तरह से कई बार हम बोलते हैं बेटे तू तो 1 मिनट में उठ जाता है और तू उठता ही नहीं है। हमें ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, वो डिफरेंट ये दोषास की वजह से भी है, कोई बच्चा वातज है कोई कफज है, तो हाउ कैन बी द सेम। और जो कफा किड्स हैं वो बहुत सॉलिडली बिल्ट होते हैं, कुछ बच्चों का मजाक उड़ाया जाता है स्कूल में भी या बाहर भी कि आप मोटे हो, हालांकि वो हेल्दी हैं, पतले से ज्यादा हेल्दी हैं, इसमें उनका कसूर नहीं है, उनकी प्रकृति है, उनको खाना अच्छा लगता है, स्वीट टूथ है उनका, बट कई बार वो इतनी डाइट नहीं लेते बट फिर भी मोटे हैं। तो ये कफज प्रकृति है, और कफा चिल्ड्रन बहुत केयरिंग होते हैं, वो सबसे पहले होते हैं जो आपको हक करते हैं जब आप किसी प्रॉब्लम में आए, वैसे भी स्टार्टिंग में मिक्स नहीं होते बट हो जाए तो सबसे अच्छे हैं वो। और कफा किड जो हैं वो इजिली काम कोई करना नहीं चाहते, और ऐसा हमें उन्हें इन्वॉल्व करना है एक्टिविटीज में ताकि वो काउच पोटैटो ना बने। अगर आप उसके सामने दो चीजें रखेंगे कि उसको बैठ के खेलना है या ट्रेम्पोलिन, तो शायद वो ट्रेम्पोलिन नहीं खेलेगा, बट आपको प्रेफर करना है कि ट्रेम्पोलिन खेले ताकि उसकी बॉडी बैलेंस में रहे। अब मैं यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगी, कफा किड्स को एक्सरसाइज चाहिए रिग्रेस, वाता को नहीं चाहिए, तो हम सबको एक वर्जन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इवन स्कूल्स में भी मैं ये कहना चाहूंगी कि टीचर्स को ये उनका जानना चाहिए कि इस बच्चे की क्या प्रकृति है, सबको एक ही टाइप का योगा करवाया जाता है, एक ही टाइप का सब कुछ एडवाइस किया जाता है, लेकिन बच्चे कई बार अंदर से बहुत गुस्सा फील करते हैं कि मैं क्यों करूं, क्योंकि वो उनकी बॉडी नहीं अलाउ कर रही, उनकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही क्योंकि वो उनको शूट नहीं करेगा। तो इसलिए जब आप ये जानेंगे कि आपको कफ दोष प्रडोमिनेंट है, पित्त है या वायु है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो आपको एडवाइस किया जाएगा डाइट्री और डेली रिजीम, तो आप उसको अच्छे से करेंगे और आप और हेल्दी रहेंगे। अब कफा किड्स को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आउटडोर आप लेके जाएं, उनको गार्डनिंग वगैरह पसंद है, गाना बहुत अच्छा खाते हैं, गाते हैं यूजली कफा किड्स, तो बचपन में ही कोशिश करना चाहिए कि उनकी ये हैबिट को हम नर्चर करें और वो अच्छे से गा सके। और कफा किड्स जो है सीखने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाते हैं, बट एक बार सीख जाए तो भूलते नहीं है, वाता पीपल जल्दी सीखते हैं और जल्दी बोलते हैं, पिता आर मॉडरेट इन दिस थिंग, बट पिता को गुस्सा बहुत आता है। और कफा जो बच्चे हैं ये एसोसिएशन से सीखते हैं, तो उनको आप स्टोरीज सुनाएं, उनको अपने एक्सपीरियंस बताएं, तो वो जो सब्जेक्ट मैटर है उनको अच्छे से समझ आएगा, पेशेंट रहें उनके साथ, उनकी स्पीड स्लो है उसके साथ काम कीजिए, ये नहीं कि आप जल्दी करें। कफा किड्स बहुत लॉयल हैं, लविंग है अपने फ्रेंड्स के प्रति, सेंसिटिव हैं बहुत, उनकी फीलिंग्स बहुत जल्दी हर्ट होती हैं। पिता किड्स वो बच्चे हैं जो खेलते हैं बेसबॉल, बास्केटबॉल, सॉसर, हॉकी, एक स्पोर्ट से दूसरे स्पोर्ट में फटाफट शिफ्ट करते हैं जो भी उनको अच्छा लगता है, और वो कोशिश करते हैं कि जो करें बेस्ट करें, और कोशिश ये भी करते हैं कि घर पे जब भी आए वो ट्रॉफी लेके ही आए, और इसके लिए वो शो ऑफ भी करते हैं। अगर समटाइम्स इफ यू आर लक्की, जो पिता कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है बच्चे की वो क्लासरूम में भी स्पिल करती है, तो पिता चाइल्ड जो है वर्क हार्ड करने में मोटिवेटेड होते हैं, गुड ग्रेड्स लेने में भी, तो आपको पता है कि उनका जो ग्रेड पॉइंट है वो उनको पता है एवरेज है, बट वो एक्स्ट्रा काम करते हैं उसको, और उनको ऑनर मिले और उनका क्रेडिट जो है वो और ऊपर जाए। और पिता किड्स को उनकी याददाश्त बहुत तेज है, बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, इसलिए उनको पढ़ना भी बहुत पसंद होता है, और शो ऑफ भी करते हैं थोड़ा सा वो, और
इंचार्ज बनना चाहते हैं, वो मैनेजरियल क्वालिटीज होती हैं उनमें, एज ए पेरेंट्स आपको उनको गाइड जरूर करना चाहिए सोशल स्किल्स, ताकि उनके गुस्से पे वो कंट्रोल करें। कुछ बच्चे आजकल बहुत लूज टेम्पर्ड होते हैं, तो ये सिर्फ पेरेंट्स हैं जो गाइड कर सकते हैं। और बच्चों को बचपन से ही रियलिटी बताइए कि कितना पानी में है आप। एक पंजाबी में एक कहावत है, खवाओ जवाइयाँ वाकन, काम लो कसाइयाँ वाकन। उसका सिग्निफिकेंस यही है कि आप खिलाइए बच्चों को अच्छे से, सब कुछ कीजिए, बट सब कुछ जो आप कर रहे हैं वो उनसे भी करवाइए, ताकि ऐसा ना हो कि जब लाइफ की रियलिटीज को वो फेस करें तो वो सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाए उनमें, और वो छोड़ के भागने की टेंडेंसी हो जाए उनमें कि अब मैं तो कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि पीछे पेरेंट्स थे सपोर्ट करने के लिए। तो इंडिपेंडेंटली भी उनको सर्वाइव करना सिखाना चाहिए हमें। वाता किड जो है सपने बहुत देखते हैं, दिन में अगर आपको देखे कि रेनबो ड्रीम रेनबो ड्रा करने वाला बच्चा जो है 50 सपने देखेंगे, वो है वाता किड्स। इमेजिनेशन बहुत तगड़ी है उनकी, उसमें से मटेरियलाइज ज्यादा नहीं होते हैं, तो ये भी वाता किड्स की एक क्वालिटी है। फिजिकली वाता किड्स आर लाइट, टॉल और शॉर्ट भी हो सकते हैं, स्किनी होते हैं, बहुत इजिली वेट गेन नहीं कर सकते, और नैरो हिप्स होते हैं उनके और शोल्डर्स भी। उनका एपेटाइट वेरी करता है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली भी विषम अग्नि होती है वाता की, कभी कम कभी ज्यादा, और मैटर नहीं करता कितना खाते हैं, क्योंकि वेट गेन करना उनके लिए सबसे डिफिकल्ट होता है। इजिली लर्न करते हैं और इजिली भूल जाते हैं, ये मैंने बताया था। जैसे अभी वाता किड्स ओफन हाइपर एक्टिव होते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिजीज जो है ये वाता प्रोडोमिनेंट चिल्ड्रन में अक्सर पाई जाती है। इसके लिए मैं यहीं पे एक ट्रीटमेंट बताना चाहूंगी, अक्सर आजकल की डाइट्स में से देसी घी वगैरह निकल गया है, ऐसे बच्चों को डेली मसाज कीजिए, देसी घी उनकी डाइट में इंक्लूड कीजिए, ताकि उनका वाता कंट्रोल रहे। और वो ऑडिटरी लर्नर्स हैं, और मतलब सुन के जो सीखते हैं, इसलिए आप बुक पढ़ाने की बजाय कई बार अगर आप उनको एक टेप लगा देंगे तो वो स्टोरी सुन के वो बेटर सीख पाएंगे, क्योंकि उनमें स्टेबिलिटी नहीं है, इतनी शांति नहीं कि वो बैठ के पढ़ पाए, वो पिता प्रकृति में है। और जो मल्टी मॉडल अप्रोच है वो वायु वाता प्रकृति के बच्चों को बहुत पसंद है, सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, टच करना, एक्सपीरियंस करना, मतलब क्रिएटिव है वो, तो स्कूल प्लेज में, कार्टून्स में ये सब उनके लिए बहुत अच्छा है। और बहुत ज़्यादा हग्स, वार्म एनवायरनमेंट उनकी वायु को कंट्रोल में रखेगा, और वो आउट ऑफ बैलेंस नहीं होंगे और नर्वस नहीं फील करेंगे। अगर आपकी सपोर्ट हट गई पीछे से तो उनका ये बैलेंस भी हट जाना है, इसलिए इसको मेंटेन रखिए। मैं इसी संदर्भ में एक बात और कहना चाहूँगी, आजकल 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे जो करियर मेकिंग एज होती है, उसमें भी ऐसा मैंने देखा है, जरा सा रिजल्ट ऊपर नीचे हो या उनके करियर की ऑप्शन नहीं मिले तो सुसाइडल टेंडेंसीज बच्चों में आ जाती हैं। इसमें मैं यहीं पे, ये मैंने स्लाइड नहीं बनाई हुई, बस मैं ये कहना चाहूँगी, पूरे कुछ पेरेंट्स भी इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, इसलिए मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके अपने बच्चों के साथ एक तो बेस्ट रिलेशंस होने चाहिए, कि आप पूरी बच्चा आपके सामने खुल के बात कर रहा है, और ये जो टाइम पीरियड है बच्चे से खुल के बात कीजिए कि अगर आपके नंबर कम आए हैं डज नॉट मैटर, आपको जॉब नहीं मिल रही डज नॉट मैटर, कुछ भी काम आपका नेगेटिव हुआ, आपसे गलती हुई डज नॉट मैटर, बट यू मैटर फॉर मी, आई लव यू, आई नीड यू। ये ना हो कि बच्चा आपसे कुछ छुपाता रहे, बाहर वालों से बात कर रहा है, किसी से भी नहीं कर रहा, और वो कुछ कर ले। तो इस सुसाइडल टेंडेंसीज को बचाने के लिए हमें अपने बच्चों को ये चार लाइनें जरूर बोल देनी चाहिए, क्योंकि आज जो इंटरनेट का जमाना आ चुका है, बच्चे पेरेंट्स से कम और इंटरनेट से ज्यादा बातें करते हैं, इंटरनेट से यानी यूट्यूब से गाइडेंस ज्यादा लेते हैं। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये चार पांच बातें अपने बच्चों को क्लियर कट आपको बोलनी चाहिए। फिर ये जो आगे मैंने बताया हुआ, ये कॉमन सी चीजें, ये मैं ज्यादा अब एक्सप्लेन नहीं करूंगी। हाँ, आयुर्वेदा एक्सप्लेन करता है बच्चों को बारे में कैसे आपस में रिलेट करें, और पर्टिकुलर डाइट्स, ये मैं जनरल वे में एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि वाता पित्ता कफा को आप कैसी डाइट्स दे सकते हैं। फिर एक्सेसिव मॉडर्नाइजेशन इज ए हिंड्रेंस इन हेल्दी पेरेंटिंग। कई बार क्या होता है, हम लोग खुद ही सोशल शो ऑफ में इतना बह जाते हैं कि बच्चों को भी वही आदतें पड़ जाती हैं, कि हम सबको दिखाने के चक्कर में कि हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, बच्चे भी वही करने लग जाते हैं। रियलिटी लाइफ तो हम जीना ही भूल जाते हैं, जो हमें बच्चों को समझानी चाहिए कि किसी को कोई किसी को रत्ती पर भी फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कैसे जी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये सिर्फ आपको लग रहा है कि कोई क्या कहेगा। डज नॉट मैटर व्हाट आर यू डूइंग,
व्हाट आर यू ईटिंग और एनीथिंग एल्स। तो इसलिए अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो। कोविड ने तो वैसे इस चीज को और भी ज्यादा अच्छा कर दिया है कि फैमिली टाइम सबका बड़ा है, और जो सोशल थोड़ा सा अगर कम हुआ है ना, तो उससे फैमिली में बाइंडिंग जो है लोगों की और ज्यादा बॉन्डिंग बढ़ी है। इसलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखिए, बट उनको मिसयूज ना कीजिए। हर एक चीज को यूट्यूब से मत सीखिए, पेरेंट्स से भी सीखिए, बहुत तजुर्बेकार हैं आपके पेरेंट्स। और हर एक चीज में बच्चों को इन्वॉल्व करो, जो भी आप कर रहे हैं, डेली कोर्स, स्टडिंग। अब जैसे कोविड है तो आजकल पेरेंट्स डेली कोर्स करते हैं, मैंने देखा है बच्चे 10-10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठते हैं, आराम से उठते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जैसे वो किसी होटल में आए हुए हैं। ये वर्डिंग मुझे बोलनी पड़ रही है, बट अगर आप 6 बजे उठ के सारा काम कर रहे हैं, तो आपको बच्चों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि रियल लाइफ में ये काम होते हैं। अगर किसी फॉरेन कंट्री में बच्चा जाता है, तो उसको ये काम तो करने पड़ेंगे, तो क्यों ना आप अभी सिखाएं उसको, ताकि जब उस पर पढ़े तो उसको मेमोरी रिकॉल हो कि हाँ, मुझे ये मेरी मदर ने या फादर ने सिखाया था, और ऐसे करना है मुझे ये। ट्राई टू बी ए फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड। क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए उसके साथ। खाली मटेरियलिस्टिक चीजें दे के इन चीजों को कवर मत कीजिए। कुछ पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, वो बच्चे को खुश करने के लिए एक के बाद दूसरा महंगे से महंगा खिलौना ला के देते हैं कि वो बच्चा खुश रहे और चुप रहे। धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे को पेरेंट्स की आदत खत्म हो जाती है और मटेरियलिस्टिक चीजों की आदत रह जाती है। तो ऐसा मत होने दीजिए। और एक चीज, मैं किसी भी को हर्ट नहीं करना चाहती, मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ सिर्फ मदर्स के लिए भी, कि आप लेजी मत हो फूड्स बनाने में। दिमाग से सोचिए, दिल से नहीं। हंगर पैंग्स बच्चों को आए उससे पहले ही एक हेल्दी मील आप प्रिपेयर कीजिए, और एडवांस में प्लान कीजिए कि आपको क्या कुक करना है। लेकिन जो भी खाना आप बनाए वो हेल्दी हो, तो टेस्टी भी हो, प्रेजेंटेबल भी हो, क्योंकि चरक में भी लिखा है हृदय संपद, यानी जो आप खाना खा रहे हैं वो आपको अच्छा भी लगना चाहिए, आपको उसको देख के खुशी भी होनी चाहिए। अब मैं नेक्स्ट जो चीज बोलने जा रही हूँ, अपने बच्चे को आप इतना प्यार करो और 10 बार उसको 1000 बार बोलो आई लव यू, ताकि आपके अगेंस्ट जाने से पहले वो भी 1000 बार सोचे कुछ भी गलत स्टेप लेने से पहले, या अपनी कोई प्रॉब्लम किसी बाहर वाले से शेयर करने से पहले। पेरेंट्स वो कुम्हार की तरह से हैं, जो अंदर हाथ रख के बाहर से उसको ऐसे ऐसे करके पीटते हैं जो घड़े को, कि वो उसकी शेप देने के लिए। ये चीज आप बच्चे को समझाइए कि आप ये काम कर रहे हैं, वो ये ना सोचे कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे डांटते ही रहते हैं, ताकि उसको पता लगे कि मेरे वेलविशर भी तो यही है। और बच्चे को हमेशा ये रियलाइज कीजिए कि जो भी आप कर रहे हैं वो उसके लिए अच्छा है। और अच्छे पेरेंट्स, ये सब मैं बता चुकी हूँ, बच्चे को अच्छी थॉट्स देते हैं। और एक चीज और, जब आप बच्चों से जो एक्सपेक्ट करते हैं वो खुद भी कीजिए। अगर आप सारा दिन यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहेंगे, या आप सारा दिन नेट पे गेम्स खेल रहे हैं, तो बच्चों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अभिमन्यु बन जाए। इसलिए टेक्नोलॉजी को वाइजली यूज कीजिए। और अगर आप बच्चे के सामने हवन करेंगे, तो उसको भी तो आदत पड़ेगी कि मैं हवन करूं। अगर आप योगा करेंगे, आयुर्वेदिक दिनचर्या फॉलो करेंगे, तो बच्चा भी डेफिनेटली फॉलो करेगा। और एक बच्चे के आप दास मत बनिए, हमेशा एक्सेसिव लव और बच्चे की हर डिमांड को फुलफिल करना भी गलत है, ये एक हेल्दी पेरेंटिंग में नहीं आता। उसमें कुछ लिमिट भी रखिए कहीं ना कहीं, बट बी ऑनेस्ट, जो आप उसको बताना चाहते हैं वो खुद भी उसके सामने करके दिखाइए उसको। अच्छा, अब मैं कुछ आयुर्वेदिक और जनरल गाइडलाइंस भी देना चाहूंगी। विदाउट नीड एंटीबायोटिक्स मत दीजिए बच्चों को। कुछ मदर सिर्फ ऐसे ही बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी दे देती हैं, कुछ भी जरा सी खांसी हो या कुछ। सिंपल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन से बच्चे ठीक हो जाते हैं। मैंने अपने बच्चों को कभी किसी डॉक्टर के पास मैंने शायद विजिट नहीं किया। आई गिव ओनली आयुर्वेदिक मेडिसिन। सिंपल होम रेमेडीज भी वंडर्स करती हैं बच्चों के ट्रीटमेंट्स में। और किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना भी कोई हर्ब बच्चों को मत दीजिए खाली वीडियो सुन के, क्योंकि आपके लिए वो सिंपल मसाला है। जैसे एक मैं हल्दी का एग्जांपल देती हूँ, कि बच्चों को कुछ गर्ल्स को डेली हल्दी वाला दूध पिलाते हैं। अब वो हल्दी वाला दूध कंसेप्शन में प्रॉब्लम करता है गर्ल्स को बाद में, इसलिए बिना जरूरत के कुछ मत कीजिए और डॉक्टर से पूछ के लीजिए। एलोवेरा भी एक ऐसा एग्जाम्पल है, जिन गर्ल्स को पीरियड्स ज्यादा आते हैं, अगर वो एलोवेरा पीती जाए, जैसे ऐड आती है 2 घूंट एलोवेरा के ऐसा कुछ, तो आप उसको सुन के आपने शुरू कर दिया कि मेरा फेस ग्लो करेगा, मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे, बट आपको दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाएं। इसलिए हमेशा किसी भी चीज को लेने से पहले एक बार किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कीजिए कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है।
अब हेल्दी पेरेंटिंग में एक अच्छी दिनचर्या बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और सुबह उसको 4 बजे उठना चाहिए। आपको भी उसको ये जो 40 डेज के बाद ही दिनचर्या शुरू कर देनी चाहिए, ताकि उसकी जो रूटीन है वो सेट हो जाए। अर्ली जो बच्चे बचपन में क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबीज को या थोड़ा छोटे बच्चे जो होते हैं उनको मदर्स उठाती नहीं है, 10-10 बजे तक वो बेड पे टॉयलेट वगैरह में बीच में सोए रहते हैं कि जब तक ये सोया हुआ है मैं अपने काम कर लूँ। वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जब आप खुद उठते हैं सुबह 6 बजे तो आप बच्चे को भी उठाइए, उसको भी टॉयलेट जाना है, जैसे हम हैं वैसे बच्चा है। ये नहीं कि आप उसको सोए रहने दें और खुद आप उठ के काम करें, फिर जब आप थक गए हैं तो आप उसका काम स्टार्ट कर दें। तो ये शुरू से ये रूटीन कीजिए। और कुछ और चीज़ें जैसे पम्पकिन है, दिस इज़ वेरी गुड ब्रेन टॉनिक, तो ये बच्चों की डाइट में हमें इंक्लूड करना चाहिए, और ऐसे फूड देने चाहिए जिससे उनको एनर्जी मिले। एक और चीज, उनके रूटीन भी वैसा ही होना चाहिए जैसे हमारा, यानी कि सुबह आप उठिए, उसके बाद ब्रेकफास्ट, नहा के फिर ब्रेकफास्ट कीजिए। ये नहीं कि आप किसी भी टाइम उठ के अपना नाश्ता कर लिया, ऐसा कॉमन रूटीन है ये बच्चों का आजकल, 10 बजे उठते हैं, उठते ही ब्रश करके चलो नाश्ता कर लिया, फिर उसके बाद जब दिल किया नहा लिया। नो, दिस इज वेरी रॉन्ग। और आजकल जब मैंने देखा है ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, 8 बजे क्लास होती है, 7:45 बच्चे उठते हैं, ब्रश करते हैं, लैपटॉप ऑन करते हैं, बैठ जाते हैं, 1 बजे स्कूल खत्म हुआ, उसके बाद सोचते हैं शायद नहा लें, तो लंच करके फिर सो जाते हैं, फिर सोचते हैं अब नहाएंगे। दिस इज वेरी बैड रूटीन। अपनी बायोलॉजिकल साइकिल को खराब मत कीजिए, और सोते भी रात को 1-1, 2-2 बजे हैं, ये गलत है। इससे आपको कई प्रॉब्लम्स और होंगी। गर्ल्स को जो आजकल पीसीओडी, एक्नी, इंडाइशन, बहुत ज्यादा वेट बढ़ रहा है, वेट तो मेरे ख्याल 90% बच्चों का ये जब से कोविड हुआ है ये बढ़ना ही है और बढ़ रहा है, क्योंकि मूवमेंट नहीं है। तो बच्चों सुबह 6 बजे उठिए, योगा कीजिए, उसके बाद नहाइए, ब्रेकफास्ट करिए, फिर 8 बजे बैठिए आप स्कूल अटेंड करने। पिज्जा पार्टीज को छोड़िए अगर आपको हेल्दी रहना है तो। कोल्ड ड्रिंक्स, फिंगर चिप्स, ये जो वेस्टर्न कल्चर है ये रियोन कर रहा है हमारी जनरेशन को। इसीलिए ये कॉमन प्रॉब्लम जो पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हमारे यहाँ पर आने लग गए हैं बहुत ज्यादा, कैंसर, डायबिटीज, बच्चों को भी होने लग गई हैं ये चीजें। किडनी, एक मेरे पास 7 साल की एक लड़की आती है जिसको किडनी प्रॉब्लम है, मतलब मैं देख के उस बच्चे को मुझे इतना दया भी आ रही थी कि क्या कहूँ मैं इनको। तो इसमें थाली सारी बच्चे की गलती नहीं है, पेरेंट्स की भी है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स को भी, जब आप पेरेंट्स बनने वाले हैं उससे पहले एक बार डॉक्टर को मिल लीजिए कि आपको पेरेंटिंग कैसे करनी है, आपका रूटीन क्या होना चाहिए। खाली हम बच्चों को दोष नहीं दे सकते कि बेटे आपने पिज्जा क्यों खाया, आपने दिया तो खाया, क्यों दिया आपने। और उसको जितनी भी उसकी एक्टिविटी है, और मैक्सिमम जंक इनटेक जो है ये वेट इंक्रीज करता है और मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, और आगे जाके भी कई प्रॉब्लम्स ये लेडीज को करता है। जितनी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं इनफर्टिलिटी के या एक्नी के, और जो ग्लो फेस पे, मतलब मैंने देखा है आजकल यंग जनरेशन के फेस पे भी वो ग्लो नहीं दिखता जो इस स्टेज में होता है, क्योंकि रात को सोना है उन्होंने, 1-1, 2-2 बजे सुबह आराम से उठना है, जंक फूड जब दिल किया खाना है, जब दिल किया नहाना है, तो ग्लो कहाँ से आएगा। तो इसलिए मॉडर्नाइजेशन जो है कुछ एस्पेक्ट्स में बहुत बैड है हमारी हेल्थ के लिए। इसलिए बच्चे को जितना हो सके होम कुक्ड फूड दीजिए, और हालांकि ये डिफिकल्ट है आपके बच्चे के सामने हमेशा अच्छा बनना, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होइए। कुछ देर बाद जब वो उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो उसको समझ आएगा, और जब दूसरे बच्चों को देखेगा कि मेरे जितना हेल्दी नहीं है, कि हाँ मेरी मदर ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आपको स्टेप लेने पड़ेंगे ये, और एक अच्छा पेरेंट बनने के लिए ये हेल्दी फूड्स और ये रूटीन ये सब कीजिए आप। डेफिनेटली जंक फूड्स तो लाइक करेंगे, आप खुद बनाइए जंक फूड हेल्दी वे में। मैं एक एग्जाम्पल दूंगी इस संदर्भ में कि जंक फूड कैसे बनाइए। जैसे स्प्रिंग रोल है, सब बच्चों को पसंद है, आज ही जाके ट्राई करना आप। इसमें क्या करते हैं, वो मैदे की कवरिंग होती है, आप उसमें आटा लीजिए, उसकी कवरिंग, उसकी रोटी टाइप जो भी बनाना है वो बनाइए, बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर, उसको ग्रेट करके उसकी फिलिंग कीजिए, उसमें गार्लिक डालिए, नमक, काली मिर्च डालिए, उसको रोल कीजिए, देसी घी में तल के आप बच्चों को दीजिए। ये मेरे हिसाब से रोटी सब्जी है, और बच्चों के लिए स्प्रिंग रोल है, उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी है, तो इसमें क्या हार्म है। तो थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है मदर से, मॉडिफाई करिए अपनी कुकिंग को, उनको हेल्दी रखिए, बट जंक फूड की अपीरेंस दीजिए। ये कॉमन मैं बता चुकी हूँ सबको, सुबह जल्दी उठिए। हाँ, 2-3 चीजें इसमें और हैं। प्रतिमर्श नस्य, एक आयुर्वेद में एडवाइज है, आप दोनों नॉस्ट्रल्स में बच्चों को सिखाइए कि आपको तेल डालना चाहिए। आजकल मैंने देखा है यंग एज में मेरे पास आते हैं ऐसे स्टूडेंट्स कहीं जिनके बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, ये बाल झड़ने की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है,
दिस इज वेरी गुड फॉर ग्लो ऑफ फेस, आईज, हेयर्स, ब्रेन और कई और चीजों के लिए. तो इसलिए ये आप अपने बच्चों को करवाइए. गंडोश मींस ऑयल पुलिंग थेरेपी, ये आयुष के एडवाइजरी में COVID-19 के लिए भी है कि आप मुंह में तिल का तेल भरिए, उसको गार्गल कीजिए उससे और फिर उसको स्पिट कर दीजिए, उसके बाद गर्म पानी करके उससे गार्गल करके और उसको फेंक दीजिए. आजकल क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम्स बच्चों को भी होने लग गई है, इसलिए मैंने ये एडवाइस किए हैं चीजें अगर आप अपनी दिनचर्या में इसको करेंगे तो. और मैंने ये मैं बता चुकी हूँ, स्टेल फूड बच्चों को मत दीजिए. कुछ बच्चे भी ये करते हैं कि अगर पिज्जा लाए हैं तो दो लेके आएंगे, मेरे पास आते हैं ऐसे पेशेंट, जब बर्गर लेके आए तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी वही खाएंगे कि ठीक है इतना अच्छा खाना है तो नेक्स्ट डे क्यों ना एंजॉय किया जाए. ये डबल आप वर्स्ट वो कर रहे हैं कि एक बार तो आपने गंद खाया, नेक्स्ट टाइम आपने एक तो उसको बासी कर दिया और एक डबल उसका जो साइड इफेक्ट्स है वो आपको मिलेंगे. इसे डोंट डू दिस. तो अगर नेक्स्ट ये है कि अब मैं इसमें एंड में आने वाली हूँ कि अगर आप हेल्दी पेरेंटिंग करना चाहते हैं तो रोल मॉडल बने अपने बच्चे का, जो उसको खिलाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो खुद कीजिए. मेडिटेशन कीजिए बच्चे के सामने ताकि उसका दिमाग थोड़ा शांत हो, क्योंकि आजकल माइंड को शांत करना सबसे इम्पोर्टेंट है. बच्चे के लिए भी एक लिमिट्स होनी चाहिए, ये नहीं कि उसको सारी आपकी बाउंड्रीज उसको आप खोल दो कि बच्चे जो मर्जी करो. ऐसा करते हैं कुछ, जो बच्चे ने कह दिया यस, मतलब आप यस वो मत बनिए स्लेव उनके कि जो वो कहें खाने के लिए करने के लिए सब मान जाओ. कुछ अपना दिमाग लगाइए आप क्या ठीक है उसके लिए, थोड़ा सा उसको देख लीजिए. और ये बहुत छोटे बच्चों के लिए, ये स्लाइड्स में डॉक्टर रजत से शेयर करूंगी, आप देख सकते हैं उसमें कुछ ज्यादा नहीं है इसमें. और डिसिप्लिन जो है एक पनिशमेंट नहीं है, इसलिए लिमिट थोड़ा सा करना बच्चों के लिए अच्छा है ताकि अगर बाहर जाके उनको कोई लिमिट करे तो उनको दिक्कत ना हो. और पिक योर बैटल्स, किड्स कांट एब्जॉर्ब टू मेनी रूल्स विदाउट टर्निंग ऑफ कम्प्लीटली. इसलिए हमेशा उनसे आर्ग्यू मत कीजिए, कभी कभी फ्रीडम भी दीजिए, जो करना है करो पर थोड़ा सा चेक रखिए उनपे. और पेरेंटिंग स्टाइल आपका पॉजिटिव पेरेंटिंग होना चाहिए, अपना क्वालिटी टाइम भी जरूर लीजिए क्योंकि पेरेंटिंग सबसे टफ जॉब है इस वर्ल्ड की. किसी बच्चे के पीछे एक काम करना इजी है, पंजाबी में एक कहावत है, और 24 घंटे किसी बच्चे के साथ रहना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट है. इसलिए पेरेंट्स भी खुद मेडिटेशन करें ताकि उनका दिमाग जो है वो काम रहे और वो बियर कर पाएं ये सब चीज़ें और टॉलरेट कर पाएं बच्चों के टेंट्रम्स और उनको गाइड कर पाएं कि क्या ठीक है उनके लिए. इकट्ठे आप बुक्स पढ़िए, और जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी है उसको साउंड सुनना बहुत अच्छा लगता है पेरेंट्स की, ये सब आप कीजिए. एक बॉन्डिंग होती है इसके साथ बच्चे की. एक टाइम स्केड्यूल कीजिए डेली कि ये आप डेली आप बच्चे के साथ स्पेंड करेंगे बिना इंटरप्शन के, और उसका डैडी टाइम इनकरेज कीजिए. अक्सर कुछ घरों में क्या होता है, सिर्फ मदर्स बच्चों को पालती हैं, ये बच्चे अच्छे डेवलप नहीं होते. स्टडी हुई है जिन घरों में पेरेंट्स यानी फादर बच्चे को अपब्रिंगिंग में हेल्प करते हैं वो बच्चे बेटर डेवलप होते हैं, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है तो बच्चे को एक डिफरेंट पेरेंट मिलता है. कुछ में मदर उसको अच्छा वो करती है, कुछ में फादर, तो इससे बच्चे की पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप होती है. मेक वार्म मेमोरीज विद चाइल्ड, कि उसको बेड टाइम पे आप कुछ गेम्स खेलें या कुछ स्टोरी या कुछ फैमिली रिचुअल्स रखें, ये बच्चों को बड़े होकर याद रहेंगे. और ये मैं बता चुकी हूँ कि आप रोल मॉडल रहें बच्चों के, और बच्चों को हमेशा उसको ये सिखाएं एनवायरनमेंट के लिए भी कि वेस्ट लेस, रिसाइकिल, री यूज एंड कंजर्व ईच डे. जो आप वेस्ट करते हैं जो चीज़ें उसमें से भी आप कैसे बेस्ट निकाल सकते हैं ये बच्चों को सिखाइए. और हमेशा आपस में जो दोनों पेरेंट्स हैं बच्चों के सामने आर्ग्यू ना करें, इससे उन पर गलत इफेक्ट पड़ सकता है. जो पेरेंटिंग डिफरेंसेज है आपस में उनको रिस्पेक्ट करें, हो सकता है कुछ जगह आप ठीक हैं कुछ जगह वो ठीक है. और बच्चे को अप्रोप्रिएट प्रेज दें, अगर वो कुछ बहुत अच्छा करता है तो उसको जरूर बोलिए कि आपने बहुत अच्छा किया है बेटे, उसको समझ आएगी कि वो क्या अच्छा कर रहा है. और अगर वो गलत कर रहा है तो उसको जरूर बताएं कि वो क्या गलत कर रहा है, इससे पहले कि बाहर वाला कोई उसको मना करे या कोई टीचर या कोई और उसको क्रिटिसाइज करे, तो उससे पहले आप कर दें प्यार से तो वो ज्यादा बेटर है. और हमेशा आपस में बच्चे के बारे में विस्परिंग कीजिए. बच्चे को इनडायरेक्ट में सुनना बहुत अच्छा लगेगा अपने बारे में, अगर आप आपस में बात कर रहे हैं कि मैं अच्छा आज इसने ये किया है, और जब वो बाहर से सुन रहा होगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, तो उस चीज़ को ज़्यादा जल्दी ग्रैस्प करेगा वो. और कुछ चीज़ों में हमेशा उसको, जैसे ऑफिस में मदर्स जो हैं आप नो कहना सीख लीजिए, क्योंकि ये जो बच्चों की पेरेंटिंग का टाइम है ये दोबारा नहीं आना,
इसलिए ये मदर्स और फादर जो भी है, जो भी आपके वर्किंग शेड्यूल्स हैं, अगर कुछ टाइम बच्चों के लिए निकालेंगे तो सारी उम्र वो याददाश्त रहेगी आपके लिए भी और बच्चों के लिए भी। इसलिए कोशिश कीजिए ये टाइम आप निकाल पाएं। लेकिन एक चीज और है, बच्चों से डिसरिस्पेक्ट मत एक्सेप्ट कीजिए, कभी भी उनको रियूड होना अलाउ मत कीजिए, आदत पड़ जाएगी उनको सबके साथ ये करने की। कुछ घरों में मैंने देखा है ऐसा, मतलब बच्चे अपने फादर्स को और मदर्स को ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे बच्चा उस घर का ऑनर है और वो उस घर के सर्वेंट है। दिस शुड नॉट बी द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन। गुड कंडक्ट आयुर्वेद में भी एक्सप्लेन किया गया है सद्वित के फॉर्म में, कैसे सोसाइटी में बिहेव करना है, कैसे आपको हर एक के साथ अच्छा होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड शो कीजिए अगर आपके साथ कोई अच्छा करता है। डोंट टीज गर्ल्स, उसमें हालांकि लिखा है पराई स्त्रियों पर नजर मत डालिए, मैं इस पे मैटर में डीप नहीं जाऊंगी, बट आजकल ये कॉमन वो है, वाइस वर्सा है दोनों, रिस्पेक्ट वुमेन एंड वाइस, मतलब लड़कियां लड़कों की रिस्पेक्ट करें और लड़के लड़कियों की। ये नहीं कि खाली मैं बॉयज को कह रही हूँ, गर्ल्स को भी ये चीज मैं कहना चाहूंगी कि आप सिखाइए, गर्ल्स को भी सिखाइए। अक्सर क्या होता है रेडियो एड्स में या मैंने एफएम पे भी सुना है, ये जब कोई भी रेप होता है कुछ होता है तो ये एक्सप्लेन करते हैं कि आप अपने लड़कों को सिखाइए। मैं दोनों को बोलूंगी, आप लड़कियों को भी सिखाइए कि वो भी सोसाइटी में सर्वाइव करना सीखें, कैसे सर्वाइव करना हर तरह से, उसमें लड़ना कैसे, आपको डिसिप्लिन वे में रहना चाहिए। और आपका जो प्लान है केयर गिविंग का, वो आप आगे ट्रांसफर कीजिए अपने स्पाउस को, ग्रैंड पेरेंट्स को, जो डे केयर वर्कर है या बेबी सिटर है, ताकि वो उन वैल्यूज को उन बच्चों में इम्बाइब कर सके। इसमें हर एक चीज आती है, उनको थैंक यू कहना भी और हर एक के साथ काइंड होना भी। और दूसरा ये नहीं कि वो सर्वेंट्स को इल ट्रीट करें तो उनकी ये आदत पड़ जाएगी कि वो हर एक को ऐसे करेंगे, और उनको सोशल स्किल जो है वो टीच करें आप। फिर आपको बच्चे को ये भी सिखाना है कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बने वो, ताकि वो कोई और गलतियां ना करें। स्पॉइल्ड किड रेज नहीं करना है आपने। हर एक बच्चे के दिमाग में उसको ये डालिए कि वो एक ट्रेयर है, एक खजाना है मेरे लिए, बट वो यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, सारी दुनिया का केंद्र नहीं है वो। उसको ये चीज समझाइए। कुछ लोग, कुछ बच्चे जब टीन एज में होते हैं, वो सड़क पर ऐसे चलते हैं कि मेरे से बेहतर ना कोई था ना कोई होगा, आपसे पहले कहीं आए आपके बाद कहीं आएंगे। इसलिए इस चीज को दिमाग से निकालिए, और ये बच्चों को पेरेंट्स ही समझा सकते हैं। ये चीज वैल्यूज की इंपॉर्टेंस बच्चों को बताइए, एक ग्रेटिट्यूड सर्कल उनको बताइए। डिनर के बारे में स्ट्रेस मत कीजिए, ये कॉमन सी चीजें हैं कि आप उनको कोई भी चीज अगर नहीं आप देते हैं तो वो 10 बार बच्चा स्पिट करेगा, आप उसके बावजूद भी उसको ट्राई करते रहिए, क्योंकि वो उसके बाद उसको उसकी आदत पड़ जाएगी। एक मील फैमिली का हमेशा इकट्ठे जरूर होना चाहिए, और अगर आप बाहर जाते हैं तो कई बार बच्चों को भी ऑर्डर करने दीजिए। हमेशा ये कहें बच्चों को आई लव यू, हमेशा अपने बच्चों को इक्वल प्यार करें, बट उनको ट्रीट करें यूनिकली। ये आयुर्वेद कंसेप्ट है, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स हैं, कोई बच्चा कैसा है कोई कैसा है, सबको प्यार कीजिए। बट ये नहीं आप किसी को अगर ज्यादा पसंद करते हैं तो उसको ज्यादा प्यार करें, उसको यूनिक तरीके से ट्रीट कीजिए। अगर वो वायु हाइपर एक्टिव है तो उसको वैसे ट्रीट कीजिए, कफज है बहुत देर से उठता है देर सुनता है तो वैसे ट्रीट कीजिए उसको। उसको इतनी बार आई लव यू बोलिए कि इतनी बार ही वो सोचे कि वो आपके अगेंस्ट ना जाए। हमारी ग्रैंड मॉम्स हमेशा ये कहती थी कि बच्चे आपके नहीं है, वो कुछ टाइम के लिए आपके पास है, तो ये जो साल हैं इनको बेस्ट तरीके से बिताइए, क्योंकि ये जो पेरेंटहुड है ये मोस्ट एग्जॉस्टिंग जॉब है। ये सब काम आपके बिखरे रहेंगे, घर बिखरा रहेगा, सब काम बचे हुए हैं, लेकिन जो बच्चे की एक हंसी है वो इसी टाइम पीरियड में आनी है, इसलिए इसको एंजॉय कर लो, कुछ टाइम बाद ये चली जाएगी। और अगर कुछ बच्चे आपके बड़े हैं, टीन एज में हैं, तब भी आप कोशिश कीजिए कि आप ये चीजें ध्यान में रखिए कि ये हमेशा नहीं चलना। टीच योर बेबी टू साइन, जस्ट आपका बच्चा जो है बात नहीं कर सकता, उसको आप साइन करने सिखाइए। एक जो साइन है वो बहुत कुछ बता देता है आपके बच्चे के बारे में कि वो फ्रस्ट्रेटेड है या खुश है। और जो टीवी है बच्चों के रूम में नहीं होना चाहिए, ऐसी स्टडी हुई है कि उनका स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ जाता है, इसलिए बिल्कुल फ्रीडम उसकी नहीं देनी चाहिए। और
जो बच्चे एक्टिव रहते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, इसलिए उनको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो एक्टिव रहें। और सेफ्टी के लिए भी ये छोटे बच्चों के लिए है, और पीडियाट्रिशियन जैसे अगर आपको एंटीबायोटिक्स छोटे छोटे बच्चों के लिए भी एडवाइस करते हैं तो उनको आप मत दीजिए, आप सिंपल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से भी बच्चों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जब बच्चा नींद में है तो उसको आप बेड पर लिटाइए ताकि उसको आपके बिना भी थोड़ी सोने की आदत पड़े। ये कुछ मैंने लिस्ट बनाई है कफा फ्रूट्स की, वाता फ्रूट्स, ये आप अपने बच्चे की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली उनको दे सकते हैं। और एक बच्चा जो हेल्दी होता है ये खिले हुए फूल की तरह है, खिलते हुए फूल की तरह, कोई भी चीज़ उसको रोक नहीं सकती। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इंटेलेक्चुअली और इमोशनली आपका बच्चा पूरी तरह से ग्रो करे और खुश रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेजेंटेशन हेल्पफुल साबित होगी, और अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मेरे सीनियर डॉक्टर्स, जूनियर्स और फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी एंड थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग। थैंक यू ऑल एंड थैंक यू टू पेरेंट्स हु आर लिसनिंग टू मी। थैंक यू डॉक्टर रजत। हेलो। हाँ जी डॉक्टर रजत। हाँ यस मैम, हाँ आप किसी के कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपकी आवाज कट रही है डॉक्टर रजत। हेलो। हाँ जी अब बोलिए। हाँ, आप में से किसी के भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। मैम हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ मैम, क्वेश्चन है हाउ टू नो द दोसाज ऑफ ए चाइल्ड, वेरी गुड क्वेश्चन। दिस मैं दीक्षा जी का बता, क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी, ऐसा है ये जो चाइल्ड की क्या अपनी भी प्रकृति, अगर आपने जाना हो, जाननी हो, आयुष मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे इसका पूरा क्वेश्चनेयर है, उसमें आप उस क्वेश्चनेयर को फिल करके ये जान सकते हैं कि आपकी प्रकृति क्या है, वातज है, पित्तज है या कफज है। ठीक है, और बाकी मेन जो जी चीजें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। जो वातिक बच्चे हैं हाइपर एक्टिव होते हैं, थिन होते हैं, यूजली वेट गेन नहीं करते इजली, और जो कफज बच्चे होते हैं यूजली फैटी होते हैं वो चाइल्ड, और वेट लूज करना उनके लिए डिफिकल्ट होता है। और जो पित्ता चिल्ड्रन है उनको गुस्सा बहुत आता है, एग्रेसिव होते हैं, लेकिन मैनेजरियल उनकी क्वालिटीज भी होती हैं। तो ये आप एक क्वेश्चनियर जो दिया हुआ है वहां पर उसको फिल करके आप ये प्रकृति जान सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे मैंने एक बार डाला था, आप एक बार चेक कर सकते हैं वहां पर। मेरी वेबसाइट फर्स्ट स्लाइड में मैंने शेयर की थी, ayurvedicclinic.org, वहां पर भी आप देख सकते हैं इसको। दीक्षा मैम, आप ayurvedicclinic.org की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। बाकी मैम थैंक्स ए लॉट आज आज की इवनिंग हमारे साथ हमारा साथ देने के लिए। हम आशा करते हैं कि नियर फ्यूचर में भी हम ऐसे वेबिनार्स कंडक्ट कराते रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर रजत, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड आपका बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप प्रो आयुर्वेदा से, जो सबको सिखा रहे हो। ऑल द बेस्ट फॉर कंटिन्यूइंग दिस एफर्ट। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट ओके एवरीवन। थैंक यू।